हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सो स्टूडेंट्स, क्या है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम? सबसे पहले इसमें होता क्या है, आपको इसका जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि रेजिस्टिव लोड आर विल एब्स्ट्रैक्ट मैक्सिमम पावर फ्रॉम द नेटवर्क। मतलब मान लीजिए कोई पूरा नेटवर्क है, उसमें से मैक्सिमम पावर तब लेगा जब जो RL है आपका वो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट के इक्वल होगा एज व्यूड फ्रॉम द आउटपुट टर्मिनल्स। जैसा कि आपने सीखा है थेवेनिन से कि अगर मैं RI देखूंगा तो मैक्सिमम पावर तभी ड्रॉन होगी जब RI इज इक्वल टू RL होगा। अब स्टूडेंट्स, इसका सबसे पहले प्रूफ आता है आपको। क्वेश्चन हमेशा नॉर्मली ज़्यादातर प्रूफ आता है इसका, तो वो प्रूफ आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद आप इसके साथ एक अटैच्ड क्वेश्चन आता है जो काफ़ी इजी रहता है आपको लोग करने के लिए। तो हम देखते हैं इसका प्रूफ। देखिए, इस ये मेरा सर्किट है, RL इज इक्वल टू RI मुझे प्रूव करना है कि तभी मैक्सिमम पावर लेगा ये लोड। तो अब क्या है, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है जो VTH बाय RL प्लस RI है। अब मुझे पता है पावर का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर बाय RL। I स्क्वायर मैं यहां से लेके आया और उसके बाद RL ये। अब मुझे पता है कि PL जो है मेरा पावर वो मैक्सिमम तभी हो सकता है जब मेरा DP बाय DRL ज़ीरो हो। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, ये जो मेरा आया था PL जो मैं ऊपर से लाया हूँ, इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूँगा इन रेस्पेक्ट टू R। अब विद रेस्पेक्ट टू RL कर दिया मैंने डिफरेंशिएट, तो ये मेरा कांस्टेंट है बाहर आ गया, इसी को मेरे को डिफरेंशिएट करना है, तो मैंने ये डिफरेंशिएट किया। इसको थोड़ा और मैं आगे करूँगा सिंप्लीफाई, तो अब ये इक्वल टू ज़ीरो आ गया है। अब मुझे जब इक्वल टू ज़ीरो करूँगा तो ये जब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। अब मेरे पास बचा ये फैक्टर, ये फैक्टर में भी ये और ये पावर्स इधर जाके ज़ीरो हो जाएंगे। तो आपके पास फाइनली बचेगा जब आप सॉल्व कर लेंगे 2RL इज इक्वल टू RL प्लस RI। अब ये जो आ गया है तो इसको भी मैं अगर इधर सॉल्व कर दूंगा ले जाके तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा RL इक्वल टू RI। ये आने के बाद मैं क्या करूंगा, अब मेरे को पता है मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला जो ऊपर आया था, यहां पर आप देखें VTH। अब मुझे पता है VTH में RL प्लस RI है और RI ही मेरा इक्वल है फिर से RL के, तो इस तरह लिख सकता हूँ इसे मैं, और ऊपर वाला भी स्क्वायर है RL। तो आपका ये जो मेरा फाइनल आया है वो फैक्टर आ जाएगा VTH स्क्वायर बाय 4RL स्क्वायर RL इसमें RL कटा VTH स्क्वायर बाय 4RL, RL बोल लो या RI बोल लो, ये मेरा फाइनल आ गया। दिस इज हाउ माई प्रूफ विल बी डन। तो ये प्रूफ आपको याद करना है, सीधा सीधा प्रूफ आएगा तो चार नंबर का अगर है, पांच नंबर का है, तो इजीली आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे इस प्रूफ से। अब इसके बाद हम लोग मूव करते हैं एक क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको जिससे आइडिया हो जाए कि किस तरह का क्वेश्चन आता है और कैसे करना है। सो स्टूडेंट्स, ये मेरा क्वेश्चन है फर्स्ट, इसमें मुझे कुछ नहीं करना, मुझे फाइंड करना है द मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड थ्रू RL, RL के थ्रू कितनी मैक्सिमम पावर डिसिपेट हुई है वो निकालना है, और वैल्यू निकालनी है मुझे RL की वैल्यू भी बताइए। तो सबसे पहला स्टेप मेरा यही है कि मैं VTH निकालूं। VTH के लिए मैंने RL को रिमूव कर दिया और मैंने ये बना लिया सर्किट। सो स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या करना है, हमने VTH को निकालने के लिए रिमूव कर दिया RL को। अब क्या करूँगा, यहाँ दो करंट
बह रहे हैं, मुझे पता है यहाँ करंट जा रहे हैं, एक करंट आई इधर, अगर इस ब्रांच में देखूंगा यहाँ पर, तो यहाँ कोई करंट नहीं जाएगा, 0 एम्पियर करंट ही रहेगा, इधर कोई भी करंट नहीं जा सकता इस ब्रांच में पूरे ये यहाँ पर। तो अब मैं क्या करूँगा, बेसिक अपना मैश एनालिसिस जो मैं सीख के आया हूँ उसकी तरह उसको यूज करूँगा, केवीएल लगाऊंगा लूप्स में, ये लूप 1 ले लेता हूँ, ये 2 ले लेता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट लूप में मैंने लगाया, +2 आए, यहां भी आए, यहां भी आई, ठीक है। यहां पर -6, -6 + 3 = 0, ठीक है। इससे अब आ जाएगा 4i = -3, तो मेरा i आ जाएगा -0.75, मतलब जो मैंने डायरेक्शन एज्यूम करी थी यहां पर वो गलत है, करंट इस तरह से जा रहा है, ठीक है। इसका बस इतना ही मतलब होता है, जो मैंने डायरेक्शन एज्यूम की थी वो गलत थी। सो स्टूडेंट्स, अब मुझे क्या करना है, मुझे केवीएल लगाना है सेकेंड लूप में, केवीएल इनटू, ठीक है। अब उसके लिए क्या है, सबसे पहले मैं एज्यूम कर लेता हूँ ये एक, ये मेरी वोल्टेज है, मतलब यहाँ कुछ तो वोल्टेज होगी VOC, एंड उसको मैं इसी तरह ले लेता हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब एक बैटरी है इस तरह लगी हुई है, ठीक है। अब मैं इसकी इक्वेशन लिखता हूँ, मतलब VOC -10 वोल्ट +2, ये आएगा, बट इसके साथ जो करंट है वो 0 है। इसके बाद यहाँ पहुँचे हम लोग, ये आ गया 6 वोल्ट, ठीक है, 6 वोल्ट प्लस में +2i, दैट विल बी इक्वल टू 0, 4 -2i, इसकी वैल्यू मुझे करंट की पता है, इसको जब पुट कर दूंगा तो आ जाएगा मैं +5.5, ठीक है। अब ये वैल्यू आ गई, मतलब ये जो मैंने एज्यूम करा था इसी तरह लगा हुआ है। अब हम देखेंगे अगला स्टेप। सो स्टूडेंट्स, आपको अब क्या करना है, एलिमिनेट करना है सोर्सेस को ताकि आप इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल पाए। मैंने एलिमिनेट कर दिए हैं, अब सिंपल ये मेरा नेटवर्क बचा है, इसमें ये दोनों पैरेलल है और ये सीरीज में है, तो मेरा आ रहा है बहुत सिंपल आ जाएगा 2 पैरेलल 2 सीरीज में 2, जिसका आंसर आएगा 3 ओम्स। तो अब जो आपका स्टेप 3 है, उसमें आपको बस ये देखना है कि भाई जो मेरा आर एल है वो इक्वल होगा आर इंटरनल के या फिर आर थेवनिन के, जो भी, जो कि 3 ओम है। अब इसने पूछा है आपको कि पावर बतानी है आपको लोड की मैक्स, तो वो होते हैं VTH² / 4 RL, आपने फॉर्मूला पीछे ड्राइव किया है, ये हो जाएगा 5.5² / 4 RL, मेरा 3 आया था, 3, दिस विल बी इक्वल टू 2.52। इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि आप थेवनिन करके आए हैं पीछे उसके, तो वही कंसेप्ट सेम यूज हो रहा है आपका, तो आपके लिए क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होंगे। जो भी अगर आता भी है सर्किट, तो आपको नहीं वो डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि आप ये चीज कर चुके हैं थेवनिन में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू।